आज हम बात कर रहे हैं रवा, सूजी या सेमेलिना के बारे में। क्या आपको पता है आखिर ये बनता कैसे है? आज मैं इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। ये बनता है गेहूं से। गेहूं से गेहूं का आटा, रवा और मैदा तीनों ही तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी इन तीनों का हमारे हेल्थ पे अलग अलग असर होता है और तीनों में ही अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। गेहूं को छिलके के साथ जब पीसते हैं तो गेहूं का आटा तैयार होता है, और जब इसे बिना छिलके के दरदरा पीसते हैं तो रवा तैयार होता है, और जब उसे ही बिल्कुल महीन और बारीक पीस कर तैयार करते हैं तो वो मैदा बन जाता है। अब आप सोचते होंगे कि जब तीनों ही चीजें एक ही चीज से तैयार होती है तो इन तीनों चीजों का हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी एक समान ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों चीजों को बनाने का तरीका और पीसने की प्रक्रिया अलग होने के कारण इसमें मौजूद पोषक तत्व कम या खत्म हो जाते हैं, और इसलिए आटा और रवा दोनों ही मैदे से बेहतर होता है। इससे जुड़ी और भी कई सारी जानकारी है जो मैं फिर कभी शेयर करूंगी, और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार, मैं हूँ होम कुक रूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में। आज हम बनाने वाले हैं उपमा, जो कि होने वाला है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी, जिसे आप गर्मा गर्म कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाउ ज्वाइन मी, विल कुक टुगेदर। यहाँ पर हमने लेना है थोड़ा सा करी लीव्स, एक हरा मिर्च, एक प्याज, एक गाजर, आधा शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक नींबू, बीन्स और फ्रेश धनिया का पत्ता। अपने पसंद की कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लेना है। मैंने करी पत्ता को भी छोटा छोटा काट लिया है ताकि हर बाइट में वो छोटा छोटा जाए और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फील ना हो। और इस तरह से हमने सारी सब्जियों को काट लेना है। बहुत लोग करी पत्ता नहीं खाते हैं, निकाल कर अलग कर देते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी है तो उसे खाइए। और अगर आप पूरा एक लीफ एक बार एक बाइट में नहीं खाना चाहते तो इसी तरह से काट कर डालिए। ये है 1 कप रवा या सूजी जिसे हम कहते हैं वो है। और अभी कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैं इसमें काला सरसों या राई इसे डालना है, और उसके बाद मैं हरा मिर्च और करी पत्ता डालकर थोड़ा स्टर कर लेती हूँ, और उसके बाद कटे हुए सारे सब्जी हमें इसमें डाल लेने हैं। अब हमने इसे हल्का सॉफ्ट होने तक कुक करना है, और उसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैगी मसाला डाला है। लो फ्लेम करने के बाद इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे मसाले को, और उसके बाद हम इसमें रवा या सूजी इसे डाल लेंगे। इसके बाद भी हमने थोड़ा सा कुक करना है, उसके बाद ही पानी डालेंगे। तो 1-2 मिनट कुक कर लीजिए, और उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाल ले रही हूँ। और ये थोड़ा सा कुक हो गया है, हमने इसे भरपूर पानी डालना है ताकि रवा को जितना पानी ऑब्ज़र्व करना है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर ले, और बहुत जल्दी से वो थिक ना हो जाए, गाढ़ा ना हो। कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल लिया है हमने। हमने इसे लो फ्लेम पे ही रखना है और अच्छी तरह से कुक होने देना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। बहुत गाढ़ा होने से पहले ही आप गैस को बंद कर लीजिए और निकाल लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद और गाढ़ा होने लगता है। कंसिस्टेंसी जब इस तरह से हो तो हमने गैस को बंद कर लेना है और हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद खाने से पहले हम इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे अचार के साथ या अपने पसंद की हरी चटनी या फली की चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत जल्दी से जमना भी शुरू नहीं होगा, तो आप आराम से इसे इंजॉय करिए। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कॉमेंट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप ईटिंग एंड टेक केयर।